पॉजिटिव हाफ रहेगा ये जीरो के ऊपर, या मैं जीरो या न्यूट्रल मार्क कर देता हूँ। ये जो लाइन जा रही है जीरो वोल्ट की लाइन है, जीरो वोल्ट मतलब ये जो एक्स एक्सिस जिसको आप मानते हैं, ठीक है, जो टाइम एक्सिस दिख रहा है ये वाला एक्सिस जो है वो जीरो वोल्ट पे है, ये वाला लाइन। इससे ऊपर कुछ आपको मिलता है वेव फॉर्म, और कुछ समय के बाद ये नीचे जाता हुआ वेव फॉर्म मिलता है, और ये लगातार चलता रहता है। इसी को हम अल्टरनेटिंग बोलते हैं, ये अल्टरनेट हो रहे हैं टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये करंट भी हो सकता है, तो इसको आप एसी बोलेंगे जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है प्लस और माइनस में। जबकि डीसी का जो आपका वेव फॉर्म बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन हमेशा टाइम, अगर ये टाइम एक्सिस मान रहे हो एक्स को, तो किसी भी टाइम में आप देखेंगे वो कांस्टेंट वोल्टेज या करंट मेंटेन करके रखता है। जैसे 230 बोले तो हमेशा ये 230 आपको मिलता ही रहेगा, जबकि इसमें अगर 230 बोले तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? एसी में मैं अभी बोला ना कि 230 वोल्ट हमारे घर में आता है सप्लाई, तो 230 यहाँ पर कहाँ पर होगा इस वेव फॉर्म में? सर वो हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर वाले ये पे, ये जो रेड वाला बोल रहे हैं लाइन, ये वाला पॉइंट है ना? यस सर, यस सर, ठीक है। और इसी को आप लोग वेव फॉर्म में जब देखते थे तो उसको आई थिंक एम्पलीट्यूड का नाम देते थे। यस सर, यस सर, ठीक है। तो वो एम्पलीट्यूड को बोल सकते हैं वो 230 वोल्ट है, यस है ना? यस सर। अच्छा, ये तो पूरे साइकिल में, साइकिल किसको बोलते हैं, देखिए ये यहाँ से जीरो से शुरू हुआ, ये अपने पीक तक गया, पीक से वापस जीरो आया, फिर ये नेगेटिव पीक पे जाने के बाद फिर से जीरो पे पहुंचा, यही है? यस सर, वही है। यस सर। और इस पूरे साइकिल में देखेंगे तो यहाँ पर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट करते करते वो 230 तक पहुंचा होगा, और 230 के बाद फिर से वो डाउन होना चालू हो रहा है, 230 से फिर से 229 आया होगा, नीचे आया होगा, फिर कम होते होते जीरो पे पहुंचा, फिर वो नेगेटिव वैल्यू ले लिया एक एक करके, फिर वो नेगेटिव के 230 तक पहुंचेगा आपके हिसाब से, जैसे पीक को आप बोल रहे हो, तो नेगेटिव 230 माइनस 230 वोल्ट पहुंचा, फिर ये करके फिर जीरो तक आया। कि इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं इस पूरे साइकिल में, आप सिर्फ एक ही वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं 230 वोल्ट, ऐसा क्यों? हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है वो, जबकि आप सिर्फ एक इंस्टेंट को 230 वोल्ट को ले रहे हो, आप बाकी को छोड़ दे रहे हो, ऐसा क्यों? क्यों उसको 10 वोल्ट नहीं बोल रहे हैं, क्यों उसको 15 वोल्ट या 229 वोल्ट या 228 वोल्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, 230 क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है सर। वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है इसलिए। लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू तो 230 नहीं दे रहा है। अगर वो कांस्टेंट 230 देता है, जैसे यहाँ डीसी दे रहा है, ये 230 वोल्ट अगर डीसी बोलूं तो वो हर समय पे 230 है, देख लीजिए इससे ऊपर है कि नहीं, लेकिन ये तो ऐसा नहीं दे रहा है, हर बार चेंज हो रहा है ये, तो इसको बोल सकते हैं क्या 230? प्रोबेबली नहीं, राइट? तो अब हमको क्या करना होगा, जब भी ऐसा एसी वेव फॉर्म है तो उसका एवरेज निकालना होगा, ठीक है। तो एवरेज कितना एरिया आएगा उसको, उसकी जो एम्पलीट्यूड आएगा, उसका हाइट आएगा, उसको बोल सकते हैं उसकी फिक्स्ड वैल्यू। तो ये आपका 230 कहीं से भी नहीं है, ये तो मान के चलिए, ठीक है। तो ये 230 है क्या फिर, ये 230 क्या है क्या? ऑल्दो ये सेकेंड यूनिट में और पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 230 ये RMS वैल्यू होता है इसका, कौन सा वैल्यू होता है? RMS वैल्यू, RMS का फुल फॉर्म, RMS रूट मीन स्क्वायर। और वो होता क्या है, कुछ बता पाएंगे क्या बेटा? सर स्क्वायर का मीन का रूट होता है, मतलब जो भी वैल्यूज होती है, हाँ, जो भी वैल्यूज होती है जिनका मीन करते हैं हम, पहले उसको सबका स्क्वायर करते हैं, हाँ, फिर उसका मीन निकालते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं, रूट निकालते तो जो वैल्यू आती है, फिर जो वैल्यू आती है उसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं, किसी भी मतलब किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे करंट है तो फिर करंट का आरएमएस वैल्यू होगा, हाँ, करंट का होगा, या वोल्टेज है तो वोल्टेज का होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये जो 230 वोल्ट है वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि ये जो वेवफॉर्म है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का वेवफॉर्म है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है इसकी वैल्यू, तो इसको हमको क्या करना होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। फिक्स्ड वैल्यू चाहिए तो क्या किया हमने, अलग अलग वैल्यू की सैम्पलिंग की गई है, ये पूरे वेवफॉर्म की सैम्पलिंग की गई, एक सैंपल, दो सैंपल, तीन सैंपल, अलग अलग इंस्टेंट पे लिया गया। मान लीजिए 5 सैंपल आप लेते हैं इस पॉजिटिव हाफ साइकिल से, कितने सैंपल ले रहे हो आप? 5 सैंपल। एक सैंपल पे 7 वोल्ट था, सेकेंड सैंपल पे 9 वोल्ट था, थर्ड सैंपल पे सपोज 100 वोल्ट था, ऐसा लेते लेते कुछ आपने 5 सैंपल्स लिए
और 5 सैंपल्स का अलग अलग स्क्वायरिंग किया, ठीक है, थोड़े ज़्यादा सैंपल्स रखते हैं लेकिन अभी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, समझ गए। मान लीजिए एक करंट है 5 एम्पियर, इसका पीक वैल्यू 5 एम्पियर होगा, तो अब इसके पांच सैंपल्स आप ले लीजिए अलग अलग जगह पे, और वो पांचों सैंपल का स्क्वायरिंग कीजिए, सबको ऐड कीजिए, अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल जो लिए हैं वो कीजिए, जैसे 5 सैंपल है तो अपॉन 5 कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग किए तो वो हो गया एस मीन, मतलब वो सबका अपॉन में जितने सैंपल्स लिए वो, और सबका अंडर रूट कर दीजिए तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे देगा, मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा इस वेव फॉर्म का इक्विवेलेंट, और उसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये 230 वोल्ट जो घरों में आपके पास आती है सप्लाई, जो मैं बोला वो उसका आरएमएस वैल्यू है, दैट मीन्स दिस इज द डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी वेव फॉर्म। क्या है आरएमएस? इज द डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी वेव फॉर्म, याद रहेगा मैंने क्या जो बोला? यस सर, वो डीसी इक्विवेलेंट, यानी कि अगर मैं आरएमएस का वेव फॉर्म बनाना चाहूं तो वो इस तरीके का ही बनेगा, ठीक है, डीसी जैसा ही वेव फॉर्म बनेगा। 230 वोल्ट मतलब कांस्टेंट बनाओगे आप, याद रहेगा, और इसको हम बोलते हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ये जो वेव फॉर्म है वो आपका इंस्टेंटेनियस का मतलब हर एक इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वेव फॉर्म की वो देगा, जबकि 230 उसकी आरएमएस वैल्यू है, राइट। ये सेकेंड यूनिट में और पढ़ेंगे, अभी बस इतना आई थिंक सफिशिएंट होगा समझने के लिए आपको, ओके? यस सर, हाँ यस सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग डीसी नेटवर्क में आते हैं। डीसी नेटवर्क, नेटवर्क किसे कहते हैं वो समझते हैं। नेटवर्क मतलब कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर बोले तो इलेक्ट्रिकल एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या है, एक सोर्स होना जरूरी है, एक वोल्टेज का सोर्स, ये जो आप देख रहे हैं 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है यहाँ पर, और उसके साथ कुछ एलिमेंट्स लगे हुए जरूरी रहने चाहिए, जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, सोर्स रहना चाहिए और एलिमेंट्स रहने चाहिए, और दोनों आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ऐसे ही देखेंगे, पहले भी आप लोग जो आई थिंक आपने स्कूल वगैरह में कुछ किए होंगे, छोटा सा बैटरी लिए होंगे और बैटरी से कुछ लाइट को जलाए होंगे, तो वो जो लाइट है उसको ये रेजिस्टेंस मान लीजिए और वो जो बैटरी है उसको ये सोर्स मान लीजिए आप, जिसमें प्लस टर्मिनल यहाँ पर प्लस दिखा रहा है और यहाँ पर ये माइनस टर्मिनल दिखा रहा है, ओके? और जैसे ये प्लस और माइनस इस रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट किया, तो ये प्लस टर्मिनल को इस पॉइंट से और ये माइनस टर्मिनल को इस पॉइंट से, तो आप देखेंगे प्लस से माइनस एक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई लोड या कोई रेजिस्टेंस इस सोर्स के साथ नहीं लगाओगे तब तक करंट एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, तब सिर्फ वोल्टेज ही रहेगा उससे पहले, और जैसे ही एक लोड लग जाता है, कनेक्शन पूरा होता है, तो एक करंट भी फ्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक वोल्टेज हो गया, एक करंट हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया, और इससे ही एक लॉ बनता है जिसे क्या कहते हैं आप, कौन सा लॉ है वो? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, क्या बताते हैं ओम्स लॉ से? ओम्स लॉ पता है क्या आप लोगों को? यस सर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं ओम्स लॉ को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है V equals IR। यस सर। तो ओम्स लॉ जब ये सिंपल डीसी सर्किट में आप देखेंगे तो ये ओम्स लॉ से आपको V equals IR, मतलब ये तीनों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप V, I और R के बीच में, ठीक है। अब मान लीजिए 10 वोल्ट का ये सोर्स है और ये जो रेजिस्टेंस लगा है वो 5 ओम का है, तो करंट कितना निकलेगा बता सकते हैं इस ओम्स लॉ से? सर एक बार वैल्यूज दोबारा बोलिए। ये लिखा हुआ है ना आपके सामने, देख पा रहे होंगे 10 वोल्ट लिखा है और 5 ओम लिखा है, हाँ बस वही वैल्यूज है, करंट निकालना है आपको। 2 एम्पियर आ रहा है सभी के पास, 2 एम्पियर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा ये एक इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है y equals mx, इसका इक्वेशन होता है ये? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है भाई? सभी लोग नहीं, यू आर थिंकिंग राइट, गुड, कोई गलती गलत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, जहाँ पर y एक्सिस x एक्सिस और m क्या बता रहा है? m क्या होता है? स्लोप बताता है, कैरेक्टरिस्टिक का, गुड। और कुछ ऐसे ही बनेगा वो स्लोप? एक y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये r, ये ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है स्लोप का? यस सर, यस सर।
इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस आता है वो रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या रहेगी, वोल्टेज और करंट के साथ, क्योंकि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन एक जैसा है कि नहीं। यस सर। वाई की जगह वी को रख दीजिए, एक्स की जगह आई को रख दीजिए, तो आर क्या निकला, एक स्लोप वाली लाइन कैरेक्टरिस्टिक। इसका अगर स्लोप फाइंड कर लोगे तो वही होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन x, और y में क्या है v और x में क्या है i, तो v अपॉन i इक्वल्स r होगा, v अपॉन i कर दीजिए तो r होगा, तो r इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा जो ओरिजिन से होके पास होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट c नहीं लिया है हमने, है ना, आई आर प्लस समथिंग कुछ नहीं है, प्लस समथिंग कुछ रहता तो फिर वो इंटरसेप्ट y एक्सिस में बताता। याद रहेगा जो मैंने बताया अभी? Yes, ठीक है। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, हम बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का ये कैरेक्टरिस्टिक किधर जाना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? सर स्लोप वी की तरफ ज्यादा टेंड होगा, ज्यादा होना चाहिए। ये रेड जाएगा कि ग्रीन जाएगा? सर रेड जाएगा। रेड जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस आएगा रेड जाएगा, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस है ये, अभी मान लीजिए 5 ओम था, 5 से अगर इसको 15 ओम करूंगा तो टुवर्ड्स रेड मूव करेगा? यस सर। रेजिस्टेंस को और बढ़ा दीजिए, रेजिस्टेंस को और बढ़ाइए, ठीक है, और बढ़ाते चले जाए, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है? रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वी के साथ अलाइन हो जाएगा, जहाँ करंट क्या हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक घूम के यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम, अगर जितना भी लेके उसको बढ़ाओगे तो? यस सर। और इस जगह पे अगर ये आ गया है, ये वर्टिकल आ गया है, मान लीजिए वी के साथ अलाइन हो गया है, वी एक्सिस के साथ, तो करंट को क्या मान रहे हो इस जगह पे, आई क्या हो गया है, ये वी है ये आई है, आई जीरो हो गया है कि नहीं? जीरो। यस सर। आई जीरो हो गया। आई कौन से कंडीशन में जीरो होगा, ये कौन से कंडीशन में करंट जो है वो जीरो होगा इसमें से? सर जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो बोल सकते हैं? यस सर। आर इक्वल्स इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो जाएगा, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है पढ़िए, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब स्विच को ऑफ कर दीजिए। अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई पंखा चल रहा होगा, कुछ ट्यूब जल रहा होगा, लाइट चल रहे होंगे, ऑफ कर दीजिए उसको। ऑफ कर दिया मतलब रेजिस्टेंस को क्या कर दिया आपने उस सर्किट के, डिस्कनेक्ट कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। याद रहेगा? yes, उस समय yes, सिर्फ yes, सिर्फ वोल्टेज yes, मिलेगा, उस वक्त कोई करंट नहीं रहेगा। याद रहेगा ये भी, आई रेजिस्टेंस yes, में yes, करंट जीरो yes, और वोल्टेज पूरा। अब थोड़ा सा दूसरे तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं। अब कम करेंगे तो कहां तक कम कर सकते हैं, जीरो तक कर सकते हैं कि नहीं, जीरो ओम, और जीरो ओम करोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहां पहुंचेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक कहां पर पहुंचेगी घूम के, ये इसके साथ आ जाएगी आई के साथ। यस सर। आई के साथ अलाइन हो जाएगी, और आई के साथ अगर ये अलाइन हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो ओम का रेजिस्टेंस। जीरो मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, मतलब ये कनेक्टिंग वायर दिख रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस अपने आप में क्या माना जाता है, जीरो ओम। और जीरो ओम है मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट लोडिंग, क्या बोलेंगे इसको, अल्टीमेट लोडिंग। ये आप लोग सुने होंगे ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बहुत सुनते हैं, यही वो शॉर्ट सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई उस सर्किट के, जीरो। और जनरली होता क्या है कि यहाँ से ये तार जो है वो इससे जुड़ जाता है किसी न किसी तरीके से, यानी प्लस माइनस से अगर जुड़ गया है तो शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट हुआ तो एज पर ओम्स लॉ रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है प्रैक्टिकली जीरो, तो करंट क्या हो गया है वहां पर, आई इक्वल्स वी अपॉन जीरो, और वी अपॉन जीरो दैट मींस इनफाइनाइट करंट। इनफाइनाइट करंट, इनफाइनाइट करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट होता है, राइट
कोई मेरे को बता सकता है, आप जिस कमरे में बैठे हैं सबके यहाँ पंखा चल रहा होगा, गर्मी भी है, पंखा कितना एम्पियर का करंट ले रहा होगा, कोई रफ आइडिया? कितने एम्पियर का करंट पंखा ले रहा होगा? अगर नहीं पता तो चलो वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप लोग अभी पता चल जाएगा कि आपके जो पंखे आपके सीलिंग फैन होते हैं वो कितना एम्पियर करंट लेते हैं। सर अप्रोक्सीमेटली, सर अप्रोक्सीमेटली 0.25 एम्पियर। चलो आप काफी क्लोज हो सकते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं। 60 वॉट का फैन है, 60 वॉट बोलो तो उसका पावर बताया जा रहा है, जब आप खरीदने जाते हैं तो लगभग 60 वॉट का फैन मिलता है सीलिंग वाला जो है, दूसरे फैन अलग अलग वॉट के रहेंगे, पावर रेटिंग है इसकी। वॉट आपको पता है ना, पावर पावर होता है, और पावर का फॉर्मूला होता है, मैं पावर को पी अगर बोलूं इक्वल्स होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब मेरे पास पावर है 60 वॉट और वोल्टेज मैंने बताया ये घरों में जो आता है वो 230 वोल्ट रहता है, तो करंट निकाल सकते हैं क्या कितना होगा? 6 एम्पियर का करंट। फिर से एक बार देखिए, P की वैल्यू 60 वाट है और V है 230 और I आपको निकालना है। सर 0.26। 0.60 अपॉन 230। व्हाट इज 60 अपॉन 230? 0.26। 0.26। तो उन्होंने जो बताया था बिल्कुल सही था, 0.26 एम्पियर में वो पंखा चल रहा है आपका। और वैसे ही आप सारे वोल्टेज को निकालें, आपके घर में जो भी लगा होगा तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा दिन भर में आप अगर स्पेसिफिकली एसी वगैरह यूज नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पियर तक जाएगा, बहुत ज्यादा ही आप लोग यूज करोगे तो एक साथ, यानी एक साथ आप अपने घर का सब कुछ टीवी वी सब ऑन कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, मिक्सी भी चल रहा है, सब कुछ चला दीजिए, वॉशिंग मशीन भी चला दीजिए, ठीक है, लाइट फैन सब ऑन कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा पहुंचोगे तो 10 एम्पियर्स तक पहुंचोगे, ठीक है। और इनफाइनाइट करंट क्या होता है वही मैं कंपेयर बस बता रहा हूँ कि आप 0.25 एम्पियर ही यूज कर रहे हैं जब एक फैन चल रहा है हमारे सिर पे, तो कंपेयर कर सकते हो कि शॉर्ट सर्किट आग लगा सकता है अपने आप में, इतना उसमें पावर है। यस सर, बस ये कंपैरिजन था और कुछ नहीं, तो आगे और भी देखेंगे ये सब, आगे भी करेंगे, जस्ट एक एग्जांपल के लिए हमने लिया। तो हम ये अब रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक, एक तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन, लाइन और लाइन से बनता है क्या एक वर्ड जिसे बोलते हैं LINEAR, क्या होता है ये? लीनियर। लीनियर, तो जब भी कोई बोले लीनियर नेटवर्क या लीनियर सर्किट, इसका मतलब समझ जाइए उसमें क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, याद रहेगा? यस सर। दैट्स गुड, तो चलिए अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये था डीसी का आपका एक इंट्रोडक्शन कि जिसमें एक सोर्स लगा होना चाहिए और एक एलिमेंट लगा होना चाहिए, ठीक है। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, एक कॉल मुझे अटेंड करना है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।